लाहौल स्पीति के किसानों ने अनिल कंबोज के पोली हाउस का दौरा किया। ये दौरा डॉक्टर अनुज गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल की अगुवाई में हुआ। अनिल कंबोज ने हिमाचल प्रदेश से आए 50 किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया और बताया कि खीरा, शिमला मिर्च, गेहूं, गन्ना और लाल गाजर की फसल में कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और उससे ज्यादा उत्पादन भी लेते हैं। उन्होंने हिमाचल से आए किसानों को लेमन ग्रास के पौधे भी भेंट स्वरूप दिए। अनिल कंबोज ने बताया कि खेतों में उन्होंने जरबेरा और लिली फूलों की खेती कर फायदा उठाया है। सर्दियों में खीरा पोली हाउस में ही उगाया जा सकता है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज यहाँ हमारे फार्म पे गांव कलरी खालसा में DWR के कुछ वैज्ञानिकगण व इनके साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से 50 किसान आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे कैसे हम प्लेन में खेती कर रहे हैं, इसमें सब्जियों की और गेहूँ गन्ना इन चीज़ों की जानकारी ली। यहाँ पे इन्होंने हमारे फार्म पे देखा कि लाल गाजर तो सभी कर रहे हैं, पर इस बार मैंने ऑरेंज वाली गाजर लगाई हुई है, जिसको हम एक लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पोली हाउस पे आए। पोली हाउस पे इन्होंने कुकुम्बर की, जैसे खीरा हम ले रहे हैं, यहाँ शिमला मिर्च ले रहे हैं, ब्रोकली ले रहे हैं, इन फसलों की जानकारी ली और कैसे इस हम ज़्यादा उर्वरक ना दे के और कम से कम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके इनको उत्पादन इसका ले रहे हैं और अच्छी यील्ड ले रहे हैं इसकी। इन सभी चीज़ों की उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से जानकारी ली।